एक्चुअली बहुत मजा आया इस अवार्ड में, और इनफैक्ट राजनायक कलर्स ने ऑर्गेनाइज किया और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया. मैं उनको अभी वही कह रहा था कि हमारे फिल्म अवार्ड्स तो ऐसे ही होना चाहिए और ऐसे ही फंक्शन करना चाहिए, और बहुत ही प्रेस्टीजियस था क्योंकि जूरी जिस तरीके की थी और जिस तरीके के लोग अंदर थे, तो दिस मीन्स अ लॉट बिकॉज़ ऑफ दैट. वेल इट्स ऑलवेज रेडी. मैं अभी 3 या 4 साल से आ रहा हूँ, ये सेलिब्रेशन एनुअल है. मैं कलर्स परिवार का आई थिंक काफ़ी बड़ा हिस्सा हूँ, बहुत कर चुका हूँ. इंडियाज़ गॉट टैलेंट, झलक दिखला जा, और हमेशा खुश होता हूँ कि उनकी जो चैनल की क्वालिटी है बहुत कमाल की हो चुकी है, उनकी प्रोग्रामिंग अभी सुपर्ब हो चुकी है. मैंने सुना है कि टीआरपी इज रॉकिंग है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टुनाइट टू सेलिब्रेट द टीम. आई लव कलर्स नॉट ओनली बिकॉज माई शो इज ऑन दिस चैनल, बट आई थिंक बड़े अच्छे शोज होते हैं उनके, बहुत प्रोफेशनली रन होते हैं, बहुत कामयाब है. एंड आई लव राजनायक, फ्रेंड ऑफ माइंड, एंड द टीम इज़ वेरी गुड, पीपल आर वेरी गुड, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ देयर एनुअल पार्टी टुडे. वेल इट्स ऑलवेज नाइस टू बी हियर, एंड आई हैव ऑलवेज कम हियर एवरी ईयर टू सपोर्ट एंड शेयर फॉर कलर. दिस इज़ द नंबर वन चैनल दैट वी हैव, एंड इट्स ग्रेट टू बी एट द एनुअल बैश. जब भी कोई अवार्ड मिलता है तो जिम्मेदारी का एहसास होता है, ऐसा लगता है कि अब लोगों ने अगर आपको अवार्ड दिया है, सम्मान दिया है, पुरस्कार दिया है, तो अपेक्षाएँ हैं लोगों की, तो और ज़्यादा बोझ मुझे लग रहा है कंधों पर पड़ गया. वेल आज की शाम ऑफ कोर्स कम्स एवरी ईयर, और यहाँ के इट्स ऑलवेज अ प्लेजर क्योंकि मेरा अपने कलर्स के साथ एसोसिएशन रहा है, एंड सब नॉमिनीज को ऑल द बेस्ट, एंड विनर्स आर आल्सो बी कांग्रेचुलेटेड. कलर्स बहुत ही अच्छा चैनल है और इस वक्त नंबर वन चैनल है, तो वी वुड लाइक टू विश कलर्स एंड एंटायर टीम एंड राज वेरी वेरी सक्सेसफुल ईयर अहेड. कलर्स पार्टी इज ऑलवेज अमेजिंग, एंड आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम कलर्स. आई वॉन्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ईयर, बहुत अच्छा लगता है. और एक्चुअली मैं वही कह रहा था कि जैसे जब ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं होती है, मेरी पूरी टीम के लिए होती है जो साल भर काम करती है मेरे साथ.